So everybody, what we are learning? We are learning how to ask question and how to answer. Yes, students. I'm going to teach you how to ask questions and how to answer them. That we are going to learn today. प्रश्न कैसे पूछे और उन प्रश्नों को आंसर कैसे दे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट एग्जिस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज. वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन. द फर्स्ट दैट इज स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, वी ऑल नो दिस, एंड द सेकंड आर डब्ल्यूएच वर्ड्स. द हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड यस नो क्वेश्चंस. पूरा अटेंशन चाहिए मुझे एक एक स्टूडेंट का, 100%. क्या आप तैयार हो? देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, आर यू रेडी. सिंपल सेंटेंस क्या था? यू आर रेडी. आर को उठा के आगे रख दिया हमने, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो. क्या वो यहां आ सकती है? कैन शी कम हियर. अभी आंसर भी करना है आपको. क्या आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो? हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? ठीक है. नेक्स्ट, क्या आप दो महीने से इंग्लिश सीख रहे हो? हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर टू मंथ्स? नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स, वी हैव फोर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेंटेंसेस. क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? क्या आप बोल सकते हो? कैन यू स्पीक? फटाफट बोलना है ना. क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? क्या आप समझ सकते हो? कैन यू अंडरस्टैंड? क्या आप तैयार हो सुनने के लिए? आर यू रेडी टू लिसन? क्या आप एक्साइटेड हो कुछ नया सीखने के लिए? आर यू एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू? आर यू एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू? जब आंसर दोगे तो यस नो में देना, लेकिन कंट्रोल. अभी आंसर आपको देना है. फर्स्ट आई एम जस्ट मेकिंग यू स्पीक सेंटेंसेस दैट स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब. क्या आप मेरे बारे में कुछ जानते हो? डू यू नो एनीथिंग अबाउट मी? क्या आप रवि के बारे में कुछ जानते हो? डू यू नो एनीथिंग अबाउट रवि? मैं रवि के बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन आपके बारे में कुछ नहीं जानता. आई नो एवरीथिंग अबाउट रवि, बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू. क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो? आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या वो आपकी मदद कर रहा है? Is he helping you? क्या आप वहां जा रहे हो? Are you going there? क्या आप वहां जाओगे? Will you go there? क्या आप यहां आओगे? Will you come here? क्या आप यहां आना चाहते हो? Do you want to come here? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? Do you want to learn English? क्या कहेंगे बोलो? Do you want to learn English? क्या आप स्टेज पर आना चाहते हो? Do you want to come on the stage? Do you want to come on the stage? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? Do you want to learn English? क्या यह आपका है? Is this yours? क्या यह मेरा है? इज दिस माइन? क्या आपके पास समय है? डू यू हैव टाइम? क्या आपके पास कार है? डू यू हैव अ कार? क्या आपके पास बाइक है? डू यू हैव अ बाइक? क्या आपके पास पैसे हैं? डू यू हैव मनी? क्या आपके पास पैसे थे? डिड यू हैव मनी? क्या बोलेंगे बोलो? डिड यू हैव मनी? क्या आप सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? क्या आप जा रहे हो? आर यू गोइंग? क्या आप जाओगे? विल यू गो? क्या आप कुछ कर रहे हो? आर यू डूइंग समथिंग? So that is the thing. दूसरी जो कैटेगरी है that is WH words. मैं अगर आपसे पूछू आपने उसे क्यों पीटा? Why did you beat him? आप देख सकते हैं पीटा इसलिए did. आप उसे क्यों पीटोगे? Why will you beat him? आप उसे क्यों पीटते हो? Why do you beat him? आप उसे क्यों पीट रहे हो? Why are you beating him? बीट में ing लग जाएगा, है ना. तो सबसे पहले तो कम से कम है ना 100 से 150, 200 डब्ल्यू एच क्वेश्चंस को ना बैक टू बैक रीड करने की आदत डालो. बुक में तो आप सबको पता ही है कितने सारे क्वेश्चंस दिए हैं. वी हैव गिवन यू 1500 क्वेश्चंस. और क्यों दिए हैं 1500 क्वेश्चंस? बिकॉज द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू मेक यू रेडी टू स्पीक इंग्लिश. व्हेन यू रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर दैम, यू विल यू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स. डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू मेक योर ब्रेन रेडी टू स्पीक इन इंग्लिश. अगर कोई आपसे पूछे व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, सो यू कैन से डायरेक्टली आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock. व्हाई आर यू कमिंग हियर? सर आई एम कमिंग हियर टू इंप्रूव माय इंग्लिश. व्हाई डू यू वॉच अजय सर्स यूट्यूब वीडियोस? आई वॉच अजय सर्स यूट्यूब वीडियोस बिकॉज हिज टीचिंग स्किल्स आर ग्रेट. इफ यू थिंक रियली देन कमेंट मी. व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश? आई लर्न इंग्लिश बिकॉज आई हैव टू डू जॉब. Why are you learning English? I'm learning English because I have to do job. I'm learning English because I have to improve my skills. I'm learning English because I'm very poor in English. I'm learning English because I don't know anything about English.
तो जो भी रीजन आप दे रहे हो, वट एवर रीजन यू आर गिविंग, अगर ये टेक्निक आपने डेवलप कर ली ना, आई गारंटी यू कि आप किसी से भी कॉन्फिडेंटली बात कर लोगे बिना कोई मिस्टेक के। और ये जो टेक्निक जिस किसी ने भी डेवलप करी है, मैंने देखा है कि बहुत अच्छा उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। सो आओ करो अपने आप को इम्प्रूव। मैंने कहा अब वहाँ क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर? मैं वहाँ गया क्योंकि मुझे कुछ काम है। आई वेंट देयर बिकॉज आई हैड सम वर्क। मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। आई केम हियर बिकॉज आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मैंने आपकी मदद की क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। आई हेल्प यू बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन। मैं अगर आपसे पूछूं आपने मेरी मदद क्यों की, व्हाई डिड यू हेल्प मी? चलो आंसर करो तो इसको। मैंने आपसे पूछा व्हाई डिड यू हेल्प मी, मैंने आपकी मदद करी क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, क्या कहोगे? मैंने आपकी मदद करी क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। आई हेल्प यू बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन। ठीक है, मैंने आपकी मदद करी क्योंकि आपको मदद की जरूरत है। आई हेल्प यू बिकॉज यू नीड हेल्प। मैंने आपकी मदद करी क्योंकि आपको मदद की जरूरत थी। आई हेल्प यू बिकॉज यू नीडेड हेल्प। जरूरत थी तो पास्ट में नीड की सेकेंड फॉर्म नीडेड हो जाए, यू नीडेड हेल्प। ठीक है, आपको मेरी मदद नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट हेल्प मी। मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूं। आई कैन हेल्प माई सेल्फ। तो ये आपको डेवलप करना है। तो भैया आ जाओ, सबसे पहले मैंने पूछा आर यू रेडी, तो आपको ये यस नो में आंसर देना है। आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। नहीं हो तो नो आई एम नॉट रेडी। नेक्स्ट, कैन शी कम हियर? क्या वो यहां आ सकती है? बोलो, अगर आ सकती है तो यस शी कैन कम हियर, नो शी कैन नॉट कम हियर। Have you completed your graduation? Yes, I have completed my graduation. No, sir, I have not completed my graduation. Have you completed your 10th standard? Yes, I have completed my 10th standard. No, I have not completed my 10th standard. Answer देना है, सुनने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ लोग क्या सोचते हैं भाई, सेशन अटेंड कर लो, वीडियोज देख लो, है ना, रिकॉर्डेड सेशंस देख लो, ये कर लो वो कर लो, इंग्लिश है। नहीं भैया, until and unless you speak, until and unless you understand the concepts and try to speak, you are not going to grow. Only watching sessions, only attending live class cannot make you a confident English speaker until and unless you speak. So just try to speak during the throughout the session. पूरे डेढ़ घंटे के session में school college वाला session नहीं है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि schools में colleges में competitive exam की जब आपको पढ़ाई करवाई जाती है तो वहाँ सिर्फ आप copy pen लेके बैठ जाओ, सुनते रहो, समझते रहो और लिखते रहो। But here we don't have to write. Here we don't have to do anything else. Just understand and speak. That is the pattern that we have to do. तो बोलना है आपको मेरे साथ में। मैंने कहा have you completed your graduation? Yes, I have completed my graduation. नहीं किया तो no, I have not completed my graduation. Have you been learning English for 2 months? Yes, I have been learning English for 2 months. Have you been coming here for 10 days? No, I have not been coming here for 10 days. I have been coming here for 20 days. You know? तो इस तरीके से एक एक सेंटेंस को बोलो, एक एक सेंटेंस की वैल्यू करो। चलो आ जाओ, अब हम लोग फटाफट आंसर करते हैं जो क्वेश्चन हमारे बुक में दिए हैं। और मैं चाहूंगा कि एक एक स्टूडेंट्स को लाउडली आंसर करना है और उसके बाद में आप लोगों को आंसर भी करवाऊंगा। आर दे गुड डांसर्स? क्या वे अच्छे डांसर्स है? पेज नंबर 59 देख लेना बुक में, बुक के पीडीएफ में पेज नंबर 59 पुरानी बुक के। आर दे गुड डांसर्स? कम ऑन आंसर इट। यस दे आर गुड डांसर्स। अगर वे नहीं है तो नो दे आर नॉट गुड डांसर्स। Are you from Persona Institute? Are you from PI? Yes, I am from Persona Institute. No. I am not from Persona Institute. These one, right? Is this a good book? क्या ये अच्छी किताब है? Yes, this is a good book. Negative. No, this is not a good book. Next. Is that a good notebook? Yes, that is a good notebook. No, that is not a good notebook. Am I your teacher? Yes, you are my teacher. Negative. No, you are not my teacher. ठीक है, next. Are you my friend? Yes, I'm your friend. No, I'm not your friend. Next,
इज शी योर फ्रेंड, क्या वह आपकी दोस्त है? अगर वो है तो आप कहेंगे यस शी इज माय फ्रेंड, और नहीं है तो नो 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 शी इज नॉट माय फ्रेंड. इज ही योर बेस्ट फ्रेंड? यस ही इज माय बेस्ट फ्रेंड. नो ही इज नॉट माय बेस्ट फ्रेंड. एक एक क्वेश्चन को इस तरीके से यस नो में विथ ऑनेस्टी आंसर करना पड़ेगा. इज सचिन योर बेस्ट बडी? इज सचिन योर बेस्ट फ्रेंड? बडी एंड बडी, बडी एंड फ्रेंड बोथ आर इक्वल. यस सचिन इज माय बेस्ट फ्रेंड. इज सचिन इज माय बेस्ट बडी? नो 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 ही इज नॉट माय बेस्ट बडी. आर यू आवर फ्रेंड्स? यस आई एम योर फ्रेंड. नो आई एम नॉट योर फ्रेंड. तो इस तरीके से आप देखो यहां पर किस तरीके से चीजें हो रही. जैसे यहां पर ये आर यू आवर फ्रेंड वाला समझना, इसमें इस यू का तो आई हो जाएगा. आर यू आवर फ्रेंड? यस आई एम. लेकिन ये जो अवर है ना, अवर का मतलब है हमारे. क्या आप हमारे दोस्त हो? तो आंसर में क्या बोलोगे? हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूं. यस आई एम योर फ्रेंड. तो ये यूअर हो जाएगा अवर का, ये ध्यान देना थोड़ा सा, है ना. इज शी योर फ्रेंड? क्या वह आपकी दोस्त है? अगर वो है तो आप कहेंगे यस शी इज माई फ्रेंड. नहीं है तो नहीं. नो शी इज नॉट माई फ्रेंड. आर यू एन एक्टर? क्या आप एक अभिनेता है, एक्टर है? तो क्या कहोगे? यस आई एम एन एक्टर. आई एम एन एक्टर. नहीं है तो नो आई एम नॉट एन एक्टर. नो आई एम नॉट एन एक्टर. यू वुड से सर ऑल दिस थिंग्स आर वेरी सिंपल टू आंसर. वी कैन इजिली आंसर इट. इफ यू कैन इजिली आंसर इट, सो जस्ट आंसर दैम मल्टीपल टाइम until and unless you start using them in your spoken English. You know, आपको पता है किसी भी काम को बार बार करने से हमारा टंग, हमारा ब्रेन, हमारे स्पीच ऑर्गन्स, हमारे पूरा बॉडी पार्ट्स जो है वो उसके यूज टू हो जाता है. और इंग्लिश के केस में आप यूज टू नहीं है. आपको सिर्फ दिमाग में इंग्लिश है लेकिन वो आपके शरीर के अंगों में इंग्लिश नहीं आ रही. उसमें लाने के लिए मल्टीपल टाइम आपको बोलना पड़ेगा. और ये वो टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से ज़्यादा बोलने की आदत हो डालते हैं. ठीक है, तो आपको वही हैबिट डेवलप करनी है. यू हैव टू डेवलप द सेम हैबिट टू आंसर बैक टू बैक. नाउ ऐसे ही देखो यहां पर रैंडम सेंटेंस ये हो गए आपके. इसके बाद में देखो इधर डू डज वाले सेंटेंस दिए आपको. ये देखो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस. मैंने कहा डज आर्यन फिल वाटर? क्या आर्यन पानी भरता है? डू यू गो टू मार्केट? क्या आप मार्केट जाते हैं? अगर आप जाते हैं तो आप क्या कहेंगे? यस आई डू. शॉर्टकट में यस आई डू या पूरा बोलोगे तो यस आई गो टू मार्केट. और नहीं जाते हो तो नो आई डोंट गो टू मार्केट. नो आई डोंट गो टू मार्केट. ऐसे देखो डज शी गो टू स्कूल? क्या कहोगे? यस शी गोज टू स्कूल. हाँ वो स्कूल जाती है. नेगेटिव नो शी डज नॉट गो टू स्कूल. बोलो नो शी डज नॉट गो टू स्कूल. डू यू टेक टी? क्या आप चाय पीते हो? क्या कहोगे? यस आई टेक टी. हाँ मैं चाय पीता हूं. नेगेटिव क्या बोलोगे? नो आई डोंट टेक टी. नो आई डोंट टेक टी. नहीं मैं चाय नहीं पीता हूं. नेक्स्ट डस कार्तिक अर्न मनी? क्या कार्तिक पैसे कमाता है? यस कार्तिक अर्न्स मनी. अर्न में एस लगेगा. यस कार्तिक अर्न्स मनी. नो 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 ही डजंट अर्न मनी. नो 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 ही डजंट अर्न मनी. डू दे गिव मी मनी? क्या उन्होंने मुझे पैसे दिए? क्या वे मुझे पैसे देते हैं? यस दे गिव यू मनी. यस दे गिव यू मनी. मी का ही हो जाएगा. नो नो दे डोंट गिव यू मनी. नहीं वो आपको पैसे नहीं देते हैं. तो दिस इज द वे टू आंसर. ऐसे देखो इधर आप डिड वाले. डिड शी लाइक मी? क्या उसने मुझे पसंद किया? डिड ही गिव मिल्क? क्या उसने दूध दिया? डिड यू ट्रस्ट ऑन हिम? क्या आपने मुझ पर ट्रस्ट किया? डिड बॉय एंजॉय? क्या लड़कों ने एंजॉय किया? डिड ही फाइंड बुक? क्या उन्हें बुक मिली? मतलब जो भी आपको अपने हैंड से बनाना है. जैसे यहां पर बॉयज लिखा है तो आप क्या कह सकते हैं? यस दे. बॉयज का प्रोनाउन दे यूज कर लो. यस दे एंजॉयड हियर. हाँ उन्होंने यहां एंजॉय किया. नो 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 दे डिड नॉट एंजॉय हियर. नो 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 दे डिड नॉट एंजॉय हियर. नहीं उन्होंने यहां एंजॉय नहीं किया. आप चाहें तो दे के बदले बॉयज भी लिख सकते हो. यस बॉयज एंजॉयड हियर. हाँ लड़कों ने यहां एंजॉय किया. सब कह सकते हो. सो डिड बॉयज एंजॉय हियर? क्या लड़कों ने यहां एंजॉय किया? यस द बॉय. यस द बॉयज. यस बॉयज एंजॉयड हियर. नो बॉयज डिड नॉट एंजॉय हियर. डिड ही फाइंड बुक? क्या उसे बुक मिली? क्या कहेंगे? यस ही फाइंड की सेकेंड फॉर्म होगी फाउंड. यस ही फाउंड अ बुक. नेगेटिव नो ही डिड नॉट फाइंड अ बुक. नो ही डिड नॉट फाइंड अ बुक. डिड दे डू इट? क्या उन्होंने ये किया? क्या कहोगे? Yes, they did it. Negative क्या होगा? No,
दे डिड नॉट डू इट. नो दे डिड नॉट डू इट. डिड यू कम हियर, क्या आप यहां आए? क्या कहोगे? यस आई केम हियर. नेगेटिव, नो आई डिड नॉट कम हियर. नहीं, मैं यहां नहीं आया, है ना. तो इसी तरीके से देखो आप, अफर्मेटिव को आप सेकंड फॉर्म में बोल रहे हो और नेगेटिव को आप जो है फर्स्ट फॉर्म में लगा के बोल रहे हो. ऐसे देखो, फ्यूचर वाला आपको दिया है यहां पर हमने. विल दे फाइंड बुक? यस दे विल फाइंड बुक. नो दे विल नॉट फाइंड बुक. विल यू प्ले क्रिकेट? यस आई विल प्ले क्रिकेट. नो आई विल नॉट प्ले क्रिकेट. विल दे वर्क हार्ड? यस दे विल वर्क हार्ड. नो दे विल नॉट वर्क हार्ड. ओके, ऐसे कॉन्टिन्यूस टेंस दिया है और फिर यहां से डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्ट हो जाता है आपका. भैया ये वो चीजें हैं जो आपके लैंग्वेज लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और अब समय आ गया है इनको आंसर करने का.